चाहे जहां जैसा तहां तैसा ना करे तो मरद कैसा। दिमाग में यही था कि ये लड़का नॉर्मल नहीं है, ये मर्द है ही नहीं। तो अपनी परेशानी को मैंने बदलने की कोशिश की, और आज मुझे लगता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में दुनिया ये भी कहती है कि इससे बड़ा मर्द कोई नहीं है, क्योंकि हमने अपने हर उस परेशानी को बदला जहां लोग ये बोलते थे कि ये खेसारी लाल यादव मर्द नहीं है। क्योंकि मेरी पहचान हुई थी साड़ी पहन के मैं इंटर किया था। तो कलाकार जो होता है ना, कोई उसका कोई आकार नहीं होता है, जहां जिसन तहां तैसन ना करे तो मर्द कैसा। तो इंसान जब कला के क्षेत्र में होता है तो आज पूरी दुनिया के नायक कहने, हिंदुस्तान के नायक कहने जाने वाले हमारे बच्चन साहब, उन्होंने भी साड़ी पहनी। तो कला क्षेत्र में ये मायने नहीं रखता कि किसने साड़ी पहनी और किसने घाघरा पहना, वो लोगों के मनोरंजन के लिए था, लेकिन लोगों ने उसको गलत साबित कर दिया कि आई एम रॉन्ग। बट कोई नहीं, आज भी मुझे साड़ी पहनना होता है तो मुझे डर थोड़ी लगता है। अब मुझे क्या बताना है लोगों को कि मैं क्या हूं, सब तो जान ही चुके हैं कि आई एम मर्द। तो इसलिए कभी भी अपने पहचान को बताने के लिए आपको आपका वर्क ही बता सकता है। आप दुनिया को क्लियर करने जाओगे ना तो फंसते चले जाओगे, क्योंकि ये दुनिया एक दलदल है और दुनिया ही आपको निकालती भी है। दुनिया एक रस्सी भी है और दुनिया एक दलदल भी है। तो आप फंसना चाहते हो कि निकालना चाहते हो, शांत रहोगे तो कोई ना कोई रस्सी फेंक ही देगा, और हिलो डोलोगे तो धंसते जाओगे। इसीलिए जिंदगी में कभी भी सलीनता के साथ काम करिए। आपदा आती है मेरे जीवन में, मुझे लगता है कि अगर मैं खुश 2 महीने होता हूं ना तो 6 महीने तो मैं कम से कम परेशान ही रहता हूं। तो जो जो गाड़ी आगे चलती है ना, सबसे ज्यादा रिस्क उसी को होता है। जो सवारियों को लेकर चलता है उस ड्राइवर पे कितना रिस्क होता है, क्योंकि सारे सवारियों को मंजिल तक पहुंचाना है। और मैं एक कंपनी के लिए नहीं, करीब करीब मुझे लगता है कि 70 कंपनियों के लिए काम करता हूं, और वो 70 कंपनी सारेगामा नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि अपना खेत बेच बेच कर कंपनी खड़ा की है, और मैं कोशिश यही करता हूं कि वो भी एक दिन सारेगामा के बगल में बैठेंगे। आप भी सारेगामा बन सकते हैं। सारेगामा आसमान से नहीं, लेकिन हाँ, आज सारेगामा सारेगामा अपने आप को सारेगामा समझता ही नहीं। आज भी जमीन पे रह के कलाकारों का सम्मान करके कलाकारों के लिए क्या कर दे। मुझे इतनी अच्छी व्यवस्था, भाई सच पूछिए तो मैं माइक पे बोल रहा हूं, कितने लोगों को बुरा भी लगेगा, इतना अच्छा व्यवस्था आपको सिनेमा में भी नहीं मिलता यार। जैसे इतना स्वीट रूम वगैरह, मैं तो स्वीट रूम में इनका इनका ही मैं रहता हूँ, बाकी तो हमारे को चटाइयों पर छुता दिल सब। एक सिनेमा था, मैं गया था यूपी में करने, सर बारात घर में सो के 15 दिन काम किया, क्योंकि मेरे मुझे मेरे नेचर में है कि मैं वहाँ काम करने गया हूँ, मैं रहा हूँ स्वीट रूम में, ये दुनिया देखने नहीं आएगी। मैं काम कितना अच्छा किया हूँ ये दुनिया देखने आएगी। तो मैं उस चीजों पे ज्यादा फोकस नहीं करता, क्योंकि वो पर्दे के पीछे की चीज है। लेकिन जब भी बद्री झा मुझे बिजनेस क्लास का टिकट भी देते हैं, बोलना पड़ता है, और बोलता है आदमी की दर्द देख लीजिएगा, 2-4 हजार ज्यादा लगता है, क्या फर्क पड़ता है, वो काट लीजिएगा मेरे हिसाब में से। लेकिन काटते नहीं है, ये ब्राह्मण कुल है, और ब्राह्मण कुल के हर आदमी को मैं सम्मान करता हूँ, क्योंकि मैं एक शिष्य भी ब्राह्मण का ही हूँ। तो कहीं ना कहीं इनके मैं इनके लिए मेरे मन में हमेशा एक सम्मान, और एक बड़े भाई की तरह मैं कलाकार बाद में हूँ, पहले इनका छोटा भाई हूँ। तो जब भी मिलता हूँ तो पैर छूता हूँ इनका, ये क्या है नहीं पता मुझे, बट एक ब्राह्मण कुल के इंसान है, इसीलिए मैं इनका पैर छू के प्रणाम करता हूँ, तो मुझे ऊर्जा मिलती है कि नहीं यार मैं आशीर्वाद ले रहा हूँ। तो जिंदगी में कभी भी वो किस जाति से कौन आता है ये मायने मत रखिएगा। अगर वो आपसे बड़ा है तो उसका पैर जरूर छुइएगा। जानते हैं किसके हाथ में आपका कीर्तिमान लिखा है, किसी को पता नहीं। तो झुकने से बहुत कुछ मिलता है, अकड़ने से सिर्फ मौत मिलती है। तो कोशिश करिए कि झुक के अपने जीवन को बड़ा करिए, अपने माँ बाप का सम्मान करिए, अपने बड़ों का कद्र करिए। उससे बेहतर जीवन जीने का कोई जरिया नहीं है, और उससे बड़ा हथियार कोई नहीं है। अगर 10 लोग आपको जान गए तो वही 10-20 को जनाएंगे, वही 20-30 को जनाएंगे, और ऐसे ही दुनिया में एक आप एक मिसाल कायम कर जाओगे। और दुनिया का सबसे बड़ा तरीका एक ही है कि खुद को बस डाउन टू अर्थ रखो, ये दुनिया का सबसे बड़ा हथियार है। थैंक यू। क्या बहुत जबरदस्त। और तो हम लोग अब क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू करते हैं। रंजन जी एक सेकेंड, मुझे भी ये लास्ट में ये बोलना था, बद्री सर बहुत अच्छे हैं, एंड बद्री सर बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं।
बद्री सर का दिल बहुत अच्छा है, उन्होंने मुझे डांटा था कोई बात नहीं सर, मैंने पहली बार डांट खाई थी, तब से हम ज्यादा बहुत अच्छे हो गए हैं और मैंने बहुत अच्छे से एक्टिंग भी की थी उसके बाद, राइट। बद्री सर बहुत अच्छे हैं, कोई मत भूलेगा। हाँ सर, आपने इससे पहले बंगलिनिया सॉन्ग गाया था, आपको बंगाली लोग कैसे लगते हैं? भाई यहाँ हमारे बिजनेस होता है, वहाँ सब लोग अच्छे लगते हैं। खेसारी भैया, सबसे पहले तो आपको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और आपका जो गाना है ये बंधु तीन दिन, ये गाना अभी पूरे भारत में ट्रेंडिंग नंबर 3 पे ट्रेंड कर रहा है, क्या कुछ कहना चाहिएगा? मुझे लगता है कि माइक में बोलूंगा तो शायद आपके कैमरे में उस चीजें साफ नहीं आएगी, आ रही है? ट्रेंडिंग में होना और नहीं होना ये मेरे लिए मायने नहीं रखता, मैं लोगों पे अपनी छवि और अपने संगीत का असर कितना छोड़ जाता हूँ ये मेरे लिए मायने रखता है। मैं व्यूअर के लिए काम नहीं करता कभी कि मेरा व्यूअर कितना आ गया, मेरे रील कितने बन गए, नहीं, मुझे लगता है कि मैं असर कितना कर गया। देखिए मेरे कहने का मतलब कोरोना काल में जान कितनी बची ये मायने रखता है, मरे कितने लोग ये मायने नहीं रखता है। हमें गिनती बचाने वाले की होनी चाहिए, तो हमारे संगीत से खुशी कितने लोगों के मिल रही है मैं उसके लिए हमेशा काम करता हूँ। और एक चीज और कि मैं महीने के 20 गाने गाता हूँ, कितने लोगों का ये होता है कि यार इतना गाना क्यों गाते हो, इतना गाना, मैं 20 घर चलाने के लिए गाता हूँ, मैं अपना घर चलाने के लिए नहीं गाता हूँ, क्योंकि वो 20 कंपनियां होती हैं और उन 20ों के साथ कहीं ना कहीं उनका परिवार जुड़ा होता है, इसलिए मुझे गाना पड़ता है, बाकी कोई बात नहीं। खेसारी जी, इतनी सारी बातें हो गई पर सबसे पहले ये गाना हो जाए बंधु तीन दिन, कहाँ रलुआ सुन लेने को कहा तुम, तो हीरोइन है ना, गावे लेना नो, एक गाला ठीक नहीं है। ने बंधु तीन दिन तोरे बाड़ी का गला में देखा पे लगना, बंधु तीन दिन दो चार लाइन, हीरोइन भी है ना तो उसका भी लाइन है, तो उसका लाइन हम नहीं जानते हैं, ये हीरोइन का गला ठीक नहीं है। एक सिंगर भी हूँ मैं, जरूर करती, ये गाती हैं, हाँ गुड, ये सिंगर हैं, ये एक्टर बाद में, ये सिंगर पहले हैं। बिल्कुल बट मैं थोड़ा गला खराब है इसलिए तो मैंने कहना जरूरी था, जब हम छाप दिए थे तो विमल तक घूम लिया जरूरी था मैंने कहा सबको पता होना चाहिए कि मैं सिंगर भी हूँ। अरे आपको क्या हो सकता है इन फ्यूचर कि बद्री जी मैं और मुझे और सर को एक गाना दे दें, उड़ीसा का कंपनी खोल रहे हैं आपसे उड़िया गवाएंगे मैं गा लूंगी, मैं सारी लैंग्वेजेस में काम करती हूं। अरे बिल्कुल बिल्कुल, आप टैलेंटेड हैं, कूट कूट भरा है आपके अंदर। भैया प्रणाम। हाँ प्रणाम भैया, है ने बनी जे तरीके से गाना और बंद कर जाता, स्ट्राइक मारल जाता, ओकरा बाद हर बार कंट्रोवर्सी में आप ही के लावल जला, हर बार आप ही के द्वारा आप ही के पास लोग आकर के थम जाते हैं, तो इसे उभरने के लिए आप क्या करते हैं? लोकल ट्रेन ना जरावल जला, राजधानी जरावल जला। जिंदगी में एक चीज हमेशा जान लीजिए, मुझे करना आता है, कौन मेरे गाने को ब्लॉक कर रहा है, कौन मुझे डैमेज करना चाहता है। मैं लिट्टी चोखा बेचकर लोगों के घर पे नौकर झूठा धोके मैं यहाँ तक आया हूँ, तो जब मेरे पास कुछ औकात मेरी नहीं थी, मुझे 2 रुपये की औकात नहीं थी, तो मैं आज आपके सामने, आप जैसे बड़े भाइयों के सामने, इतने सारे हमारे गार्जियन स्वरूप लोग बैठे हैं, इतने सारे टैलेंटों के सामने मैं कुछ कह रहा हूँ, जब मेरी कोई औकात नहीं थी तो मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। आज तो मेरी बहुत बड़ी औकात है, क्योंकि एक बहुत बड़ा साम्राज्य का मालिक हूँ मैं, और वो साम्राज्य क्या है? लोगों का प्यार, लोगों का आशीर्वाद। उस समय सिर्फ मेरे माँ बाप के आशीर्वाद हुआ करते थे, और मैं आज तो मुझे लगता है जो अरबों में मेरे माँ बाप हैं, अरबों में मेरे भाई हैं, अरबों में मेरी माँ है, अरबों में मेरी बहन है, तो इतने सारे परिवार के एक बेटे को इतना तकलीफ कोई कितना भी चाहे तो नहीं दे पाएगा, क्योंकि लोगों का प्यार है। खेसारी भैया, आप लाइव आके कह रहे हैं कि ये किसी की साजिश है, कौन है इन सब के पीछे? अभी तो मीडिया का काम है पता करना, यह हम ही पता करके बताएं। जिंदगी में देखिए एक बात होता है आपसे, जब इंसान आगे बढ़ता है ना, तो आगे बढ़ने का कोई रीजन नहीं होता है, लेकिन पीछे आने के बहुत सारे रीजन होते हैं उसके, क्योंकि आगे बढ़ने का कोई रीजन उससे कोई पूछता नहीं है, क्योंकि जो रास्ता वो तय करता है
उसको पता ही नहीं है कि इस रास्ते में क्या क्या कष्ट होने वाली है। अगर आपको अपने उन्नति के रास्ते पता चल जाए कि यहाँ ये कष्ट होगी, वो कष्ट होगी, तो उस कष्ट से इंसान घबरा के अपने आप हथियार डाल देगा, वो कभी कामयाब नहीं होगा। लेकिन उतरते हैं ना, जब हमें नीचा गिराया जाता है तो उसमें भी अपने ही हाथ होते हैं। न तो क्या बढ़िया के राम जी के कदी होता है, मतलब कर्माइए।